स्वीट होम, दिस इज ऑल्सो स्वीट होम, दैट इज ऑल्सो स्वीट होम, लेकिन ये मुंबई का घर है, वो गांव का घर है, बहुत 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 फ़र्क है दोनों में. तो फाइनली वी रीच्ड होम. मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि जब हम लोग दोपहर को वहाँ से निकले तो बहुत ज़्यादा धूप था और सानू मेरे लैप पे थी और रिक्शा में वो सो गई थी, तो मैंने वो कुछ शूट नहीं किया. स्टेशन पहुँचे तो गर्दी था, इतना क्राउड था, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ शूट नहीं किया क्योंकि गर्मी से इतना ये हो रहा था. फिर ट्रेन में चढ़ने के बाद सारे सीट्स फुल थे और सब लोग ने लाइट्स ऑफ करके रखा था, तो कुछ भी वहाँ पे भी मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं कुछ भी वहाँ का शूट करूँ. तो इसलिए वो कुछ पार्ट शूट नहीं हुआ. मैंने कहा मैं सीधा घर जाती हूँ, चेंज करती हूँ और उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ. तो वी रीच्ड होम ऑन टाइम और बस गरम गरम पानी से सानू को भी फ्रेश करा दिया, मैं भी पूरा फ्रेश हो गई. और उसके बाद हम लोग ने डिनर किया, सिंपल डिनर जैसे हम लोग हमेशा गांव से आने के बाद करते, ब्रेड बटर एंड चाय, हल्का सा लाइट फूड. तो वही मैंने, मम्मी ने और डैडी ने और सानू ने, हम लोग तीनों ने खा लिया. दीप्ति सुशांत को देखे बहुत अच्छा लगा घर में वापस. कल सुबह निशु आएंगे तभी निशु से मिलेंगे. सानू भी बहुत थक गई है, देखे पहले ही जाके सो गई. एंड टुडे वी आर गोइंग टू पुट एसी एंड स्लीप आई मिस्ड. मतलब सानू घर में घुसी ना तो सबसे पहले बोली मम्मा चलो आज बेड पे सोने मिलेगा, और सुशांत बोला चलो जाओ अभी जाके सो जाओ मस्त एसी एसी लगा के. सो यस, बोलते ना मुंबई कर वालों को मुंबई के बिना करमता नहीं है, अभी गांव वालों को गांव के बिना नहीं, बिकॉज दे यूज टू दैट बिग बिग स्पेस, आंगन वांगन, उनको बड़ा बड़ा घर किचन का हैबिट हो गया. सो उनके लिए ये बहुत कॉम्पैक्ट जैसा हो जाता है, बट हम लोगों के लिए दिस इज आर लाइफ बिकॉज वी आर स्टेड हियर. तो हम लोगों के लिए यही सबसे बेस्ट है. वी एन्जॉयड गांव का ट्रिप, जैसा भी हो हम लोग का ट्रिप बहुत अच्छे से हो गया. सो एनीवेज आई एंड दिस ब्लॉग हियर ओनली. नाउ आई नीड लिटिल रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए, गर्मी की वजह से ज़्यादा थक गए. सो आई एंड दिस ब्लॉग. और सारों को भी बहुत जोर की नींद आई है, बहुत थक गई बेचारी. सो आई एंड दिस ब्लॉग हियर ओनली. आई सी यू इन टुमारो नेक्स्ट ब्लॉग, फ्रेश ब्लॉग. अभी मुंबई के वापस ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे. जितना मेरे से पॉसिबल हो उतना मैंने गाँव का ब्लॉग शूट करने का कोशिश किया. एंड एनी वेज बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग. कैसे हो आप सब? फाइनली आफ्टर टू डेज आई एम स्टार्टिंग माय व्लॉग. दो दिन का ब्रेक ले ले गांव से जाके आने का, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी मच नीडेड. तबीयत भी मेरी थोड़ी सी लो थी, बट नाउ आई एम फीलिंग मच मच बेटर. से थोड़ा सा गला बैठा इसलिए आवाज़ स्लाइट चेंज है. एंड यस, कल हम लोग गए थे मिस्टर DIY जो यहाँ पे क्रोमा के पास है, अग्रवाल पैरामाउंट के यहाँ पे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शॉप जहाँ पे आपको पूरा घर का डेकोरेटिव आइटम्स मिलेगा, घर का सारा सामान मिलेगा टू फुलफिल योर हाउस. जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपको किचन का, बाथरूम का, बेडरूम का सामान, छोटे 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 क्यूट क्यूट शोपीस है वहाँ पे. तो लास्ट टाइम मैं गई थी अकेली एक बार, जहाँ से मैंने सुशांत के शादी के लिए ये सब खरीदा था. माइक्रोवेव के कवर्स खरीदे थे और फ्रिज का कवर और वॉशिंग मशीन का, ये तीन चीज़ मैं वहाँ से लेकर आई थी. तो ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे इसको ना गैप है देखिए, बट मैंने स्ट्रिक्टली उधर ऐसा कान पकड़ा कि इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि एक बार आपको हैबिट हो जाता है ना इसमें स्टफिंग करने का, तो ये पूरा ऐसे लिटरली फूक जाता है. जो हम लोग का भाईंदर का किचन था ना, वहाँ पे जो फ्रिज था उस पर था ऐसा कवर, और लिटरली वो बोलते ना साइड से उसका स्टिचेस है ना वो निकलने लग गया, इतना उसमें चीज़ें एक एक करके घुसते गई कि लिटरली फटने लग गया. तो इसलिए मैंने सुशांत को बोला नहीं ये वाले में है ना पॉकेट्स, तो इसमें रखना स्टार्ट करी. मैं बोला नहीं, दिमाग से ही निकाल देना कि इसको पॉकेट्स है. तो माइक्रोवेव का जो उसको भी एक साइड पॉकेट है और जो फ्रिज का है ना उसको भी देखिए साइड में पॉकेट्स है, उसको दोनों साइड में. बट आई लाइक मैं बिल्कुल भी उसमें कुछ भी स्टफ़ नहीं करने वाली हूँ. आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक भाईंदर का घर, विरार को विरार के घर जैसे ही रखना है, थोड़ा सा बेटर देन व्हाट वी हैड इन भाईंदर. इसलिए उसको दिमाग, अभी मैं आप लोग को बताने के लिए गई तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि इसमें पॉकेट है, वरना तो आई थिंक ये सुशांत के शादी के पहले मैंने निकाला था अराउंड समवेयर नवंबर एंडिंग में. तो नवंबर दिसंबर जैन फेब, मतलब 3 महीने ऑलमोस्ट हो गया कि हम लोग ने उसको अभी तक वैसे यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया. एंड आई विल नॉट डू इट ऑल्सो.
दीप्ति को तो मालूम भी नहीं है क्योंकि मेरे को ही, मैंने ही किसी को बताया नहीं था, सिर्फ सुशांत को और मुझे पता है। तो जब हम लोग गाँव गए थे, गाँव में थे और दीप्ति, सुशांत और निशु मुंबई आ गए थे ना मंडे को ही, तो उसके बाद दे वेंट टू DIY। तो सुशांत बोले जब वहीनी मम्मी लोग आएंगे ना तो वापस एक बार जाएंगे। तो कल संडे था, निशु को भी लकीली कल ऑफ मिल गया, उनके कलीग को मंडे ऑफ चाहिए था तो उन्होंने रिप्लेस करके निशु को संडे ऑफ दे दिया। बोले वाह निशु को संडे ऑफ मिला, तो लेट्स यूटिलाइज। हम लोग गए थे DIY, वहाँ से हम लोग ने छोटी छोटी छोटे छोटे शॉपिंग किए। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी बॉट इज अ वेरी क्यूट थिंग, यहाँ पे ना लिक्विड डालना है सोप और यहाँ पे प्रेसिंग बटन है, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे ना, आई विल जस्ट प्रेस इट। तो आप लोगों को भी कैमरे में से दिखेगा, यहाँ से लिक्विड पास होता है एंड देन यू कैन स्क्रब इट, मतलब अच्छे से क्लीनिंग, छोटा सा ब्रश टाइप जैसा है, क्योंकि यूजली हम लोग क्या इससे क्लीन करते ना सिंक को, इससे रहता तो फिर ये येलो वाला था, इससे क्लीन करते थे विम डाल के। तो ये क्यूट सा दिखाई देता है, बोले चलो ले लेते, छोटे छोटे चीज़ों से वो इतना क्यूट पना दिखाई देता है ना। तो बेसिकली सिंक को लास्ट में जब बर्तन धो के हो जाता है उसके बाद क्लीनिंग के लिए लेकर आए। एंड उसके बाद दिस ब्यूटिफुल मैट वी गॉट, ये भी चेंज किया ग्रे कलर का, क्योंकि जो जूना था ना वो स्लिप हो रहा था। कल मामा का थोड़ा सा स्लाइड के पैर भी स्लिप हो गया, तो बोले अब तो चेंज करना ही पड़ेगा, इट्स नॉट गुड टू टेक रिस्क। तो हम लोग ने ये भी ले लिया और साथ में ये हम लोग एग्जैक्ट जैसा हम लोग को चाहिए था ना वैसा मिल गया, ग्रे कलर मैचिंग टू द किचन का इंटीरियर। तो फट से हम लोग भी खरीद गए और एक ही पीस बचा था उनके पास लास्ट, बाकी सब कलर जो थे ना वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे और साइज भी एकदम परफेक्ट है। और मुझे पता है बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जिनको घर में घर का चप्पल पहनना भी नहीं पसंद है, सो उनके लिए बहुत अच्छा, किचन में जब आप काम कर रहे हो ना तो कंटिन्यूस जब आप एक डेढ़ दो घंटा काम कर रहे हो, फ्लोर इतना ठंडा रहता है तो वो वात वगैरह प्रॉब्लम ना हो, पैर आपके सेफ रहे, तो दिस इज़ वेरी गुड। उसके नीचे रखा है, उसके ऊपर आप आराम से खड़े रह के कुकिंग कर सकते हो, उसको क्लीन भी कर सकते हो, कैसा हट है ना। और किचन भी बहुत सुंदर है ना, हाँ। और मेरा भी स्लीपर नहीं है देखिए पैर में, क्योंकि मेरा स्लीपर मैं गांव में रखकर आई हूँ, अभी मैं आज कल जाने वाली थी लेकिन कल ना लेट बहुत हो गया तो नहीं, हम लोग स्टेशन के पास गए ही नहीं, DIY से इतना हम लोग आते आते 8:30 बज गया, तो वो चप्पल का प्लान रह गया, तो शायद आज नहीं तो कल जाके मैं लेके आऊँगी। तभी मैं इसके ऊपर खड़े रह के पूरा कुकिंग कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दिस आई वॉन्टेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब हम लोग बाहर का सोफ़ा का मंगा ना तब से, लेकिन ये कलर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। और कल लकीली दीप्ति को फट से दिख गया, एक्चुअली हम लोग ने पहले दूसरा ब्राउन कलर का लिया था, फिर ढूंढते ढूंढते दीप्ति को ये दिखाई दे रहा है, चलो थैंक गॉड एटलीस्ट दीप्ति को तो दिखाई दिया, तो जो चाहिए था वैसे ही मिल गया हम लोग को। तो इसलिए मैं आप लोग को इसका लिंक नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये हम लोग ने पर्सनली जाके परचेज किया है। उसके बाद हम लोग ने छोटे छोटे बाथरूम का सामान खरीदा, जैसे ब्रश वगैरह हो गया और वो पेडिक्योर क्लीनर आता है ना जिसमें 4-in-1 होता है, ब्रश, प्यूबिक स्टोन, स्क्रेपर, वो खरीदा। और छोटे छोटे सानों के लिए एक फुटबॉल लिया, ब्यूटीफुल सा, उसको देखते ही बोले मेरे को भी कुछ तो लेके देना, तुम लोग हमेशा अपने लिए खरीदते हो। सो और कहाँ गई, उसका हेयर कट भी किया सानों का फुटबॉल, ये देखो सानों का फुटबॉल प्रॉप, उसने सामने से देख लिया और उसको निशु को बोला मुझे फुटबॉल खरीद दो, एक्चुअली हार्ड है ना, क्या बोलते हैं। अब आ रहा है सुशांत का जाने का दिन, धीरे धीरे टाइम है लेकिन आने ही वाला है ना, एकदम नियर टू आ ही गए, मार्च में मिड या तो एंड, कभी भी ऑलमोस्ट मिड, जैसे टिकट आ जाएगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। सानो ये तो हेयरकट दाखूया, पता आप से बहुत सारे जन को शायद नहीं पसंद आएगा कि हम लोग ने सानू का हेयरकट कराया, बट देर इज नॉट वन रीजन, देर आर मेनी रीजन फॉर गेटिंग अ हेयरकट डन। सबसे पहले तो सानू को लॉन्ग बाल पसंद ही नहीं है, इतने अच्छे से उसके बाल, यहाँ से मुझे पोनी बांधना नहीं पसंद, क्लिप बांधना, टिक टैक लगाना नहीं पसंद, मुझे खुला बाल पसंद है, हाँ मुझे हेयर बैंड नहीं पसंद है, तो क्या करेंगे हम लोग बोलो। इतना उसका पीछे से बाल ग्रो हो गया कि लिटरली वो स्वेट हो जाती थी और डैंड्रफ होने लग गया था, क्योंकि ऑल्टरनेट डे वॉश करने के लिए भी रोती थी और गर्मी भी आ गया है, एग्जाम भी आज इसका फर्स्ट पेपर है, तो मम्मी बोली मुंबई जाते ही पहले इसका हेयर कट करा देंगे। तो हम लोग ने सानू पर एकदम टिपिकल बॉय टाइप नहीं किया, यहाँ से जो उसका पहले का लेंथ था ना उसको उतना ही रखा है, सिर्फ आगे से शॉर्ट किया, साइड से शॉर्ट किया, पीछे टर्न ऑन ना निशु को पसंद नहीं है, वो यहाँ से निकाला वो, और पीछे से उसका सिर्फ यहाँ वेट ना नानो, ये जो लेंथ था ना नीचे, तो यू टर्न ओनली, जो यहाँ तक ग्रो हो गया था
उसको कट करके ये लेंथ वैसे ही रखा है, तो थोड़ा सा वो मशरूम कट टाइप जैसा हो गया है, थोड़ा सा गर्ल कम बॉय टाइप वाला है कट। और निशु के पसंद नहीं है, साइड से निकाला ना, नेक्स्ट टाइम बोले नहीं निकालना, मैं बोला हाँ मेरे ध्यान में ही नहीं था। एक्चुअली निशु अपना शेविंग करा रहे थे, हाँ हाँ सब मैंने उसका क्लीन कर दिया। इतना गांव में जाकर आई थी तो यहाँ पे पूरा इतना डस्ट बैठ गया था, वो गांव में धूप में खेल खेल के, तो उसको कल मस्त एकदम होते ना डीप क्लीनिंग करके निकाला सानू को पूरा ऊपर से नीचे तक, वो स्क्रेपर वेपर लेके सब उसको क्लीन, स्क्रेपर नहीं लूफा लूफा से उसको पूरा क्लीन करके लिया, तभी ऐसा लग रहा है वो मुंबई की हो गई है, तो पूरी गांव की दिख रही थी। तो आज सानू का फर्स्ट पेपर है, 27th है आज, फ्रॉम टुडे हर फाइनल एग्जाम आर गोइंग टू स्टार्ट। बोलते ना एग्जाम उसका है लेकिन हार्ट बीट हम लोग का फास्ट हो रहा है फाइनल एग्जाम में। द फर्स्ट पेपर इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है, फिर 2-3 दिन का गैप है। एक्चुअली बैक टू बैक पेपर होता ना तो जल्दी ख़त्म हो जाता, एक एक दिन का गैप होता तो। सानू के पेपर में बहुत सारे गैप्स है, 3-3, 4-4 दिन के गैप्स में एक एक पेपर है, तो ये पूरा 14th तक पूरा ऐसा लेंथी पेपर हो गया है। 4-4 दिन का गैप होके फिर होली आ रहा है बाद में, फिर वापस उन लोगों को 2-3 दिन छुट्टी है, तो ऐसे करते। आई डोंट नो हाउ हर फर्स्ट कंप्यूटर इज गोना गो, प्रैक्टिस रिविजन तो उसका हो गया, अब जाके क्या करके आएगी तब पता। परसों जब हम लोग आए ना फ्राइडे को रात को, तो जैसे एंटर किया तो यूजुअली वी कम इन किड्स रूम ओनली, मतलब मेरा ज्वेलरी रूम जहाँ पे सामान रखने आते हैं, तो ये सब ना ऐसे बाहर निकाला हुआ था, यहाँ पे सब बेडशीट्स वगैरह रखा हुआ था, ये पूरा बाहर था, तो मेरे को देखते ही ऐसा हो गया कि ओ गॉड ये क्या हो गया। मतलब 2 दिन हम लोग घर पे नहीं थे, तो आई डोंट नो सुशांत ने क्या सारे चेंजेस कर दिए, मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आने, क्वेश्चन ऐसे खड़े हो गए कि क्या कर दिया मेरे रूम को। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी आई सॉ दिस कबर्ड वॉज ओपन, और यहाँ पे फाइनली मेरा शेल्फ लग गया है, जो मैं सुशांत को कब से बोल रही थी, फिर मैंने निशु को भी बोला था कि ये एक्चुअली पहले हम लोग ने डिज़ाइन किया था यहाँ पे कि जो हैंगिंग्स बड़े वाले कपड़े होते हैं ना, तो शादी वादी में पहनने वाले जो स्ट्रेट रखना हो वो रखने के लिए हम लोग ने दोनों साइड में ओपन रखा था, कंपार्टमेंट को शेल्फ नहीं डाला था। बट अभी ये रूम तो मोस्टली मैंने ऑक्यूपाइड कर लिया ज्वेलरी के लिए, तो यहाँ पे बॉक्स पे बॉक्स बॉक्स पे बॉक्स ऐसे रखती थी ना, तो कभी निकालना होता था तो एकदम ऐसे गिरने आता था, कभी ये साइड गिरता था कभी वो साइड गिरता था, छोटे डब्बे ऊपर कितनी भी बार आप कितना भी समेट होना, जैसे मेरे ऑर्डर्स आते जाते थे या लाइव करना होता था तो ये निकालो वो निकालो वो निकालो, जल्दी जल्दी मैं सब वापस मेस्ट अप हो जाता था, कितने बार मैं इसको साफ करूँ कर करके ना मैं थक गई थी। तो फाइनली मैंने सुशांत को बोला कि प्लीज़ इसको हम लोग ना शेल्फ लगा के लेते, सो व्हेनेवर यू आर फ्री या देखो जब भी बाकी का कुछ काम हम जब हम करेंगे तो उसके साथ मुझे करके दे देना। एंड सरप्राइजिंगली ही डिडंट टेल मी एनीथिंग दैट ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग, आने के बाद बोलते ना सरप्राइज देना था उसको। सो यहाँ पर भी एक शेल्फ लगा के लिया क्योंकि ये भी पूरा ओपन था, यहाँ पे भी ये रॉड्स लगा था हैंगिंग के लिए कि छोटे कपड़े यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी शेल्फ लग गया, तभी मैं नीचे ऊपर ऐसा पूरा यूज कर पाऊंगी, नहीं तो मैं इतना ही स्पेस यूज कर पाती थी ना, आई कैन यूज दिस फुल। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट हो गया और यहाँ पर भी हो गया, इस साइड भी कर दिया, नीचे तो ऑलरेडी था यहाँ पे, इसमें नहीं था, और ये पूरे बेडशीट्स ना ऐसे नीचे निकाल के रखा था, तो मैं एकदम डर गई, बोले क्या हो गया किड्स रूम में, अचानक से चेंज कैसे हो गया। तो यहाँ पे एक शेल्फ लग गया, तभी ये मैं ना सब ऊपर रख दूँ, ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया फिलहाल कि बाहर खराब ना हो जाए, तो अभी एक के ऊपर एक अच्छे से लगा दूंगी। टेबल मेरी ऑलरेडी लेकर आई हूँ, अभी टेबल पर चढ़ के एक एक अच्छे से बेडशीट्स एक साइड, कवर्स कुशन कवर्स एक साइड, और बाहर के पिलो कवर है ना उसके कुशन कवर एक साइड ऐसे उसको रख दूंगी, और बाकी का ये पूरा भी मेरा ज्वेलरी का ही वार्डरोब हो गया, कबाड़ हो गया, तो मेरे लिए तो एकदम झटका जैसा था, बट आई लाइक द सरप्राइज के फाइनली मेरा काम हो गया। अभी ये ज्वेलरी इसलिए मैंने अंदर नहीं रखा है, 2 दिन से बाहर ही रखा है, कि मैं इसको अभी फाइनली ये पूरा साफ हो गया है बाहर आ गया है, तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन कर लेती हूँ, कि बैंगल्स एक साइड में, वेस्टर्न ज्वेलरी एक साइड में, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एक साइड में, मंगलसूत्र एक साइड में, इयररिंग्स एक साइड में, ऐसे इसको सॉर्ट आउट कर दिया, इसलिए मैंने अभी तक किसी को भी हाथ नहीं लगाया, सब ऐसे ही है। यहाँ पे भी सारा सामान वैसे का वैसे ही है, के ऊपर एक मैं ये नीचे था एक्चुअली, तो मैंने इसको ऊपर रख दिया, अभी भी इसमें से भी थोड़े कपड़े निकालना बाकी है, धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू डू, क्योंकि 2 दिन तो मेरा ही तबीयत ठीक नहीं था, तो मेरा बिल्कुल कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने के लिए। जैसे तैसे आज सुबह उठ के मैंने 3 पार्सल पैक कर दिया, बाकी तो सारे लॉकिंग वाले थे थैंक गॉड, तो मुझे ज़्यादा पार्सल किसी का पैक नहीं करना पड़ा, 3 मेरे पैक हो चुके जो आज निशु जाएंगे तो डिस्पैच कर देंगे। सो दिस इज़ द अपडेट, एंड फाइनली शेल्फ लग गया, तभी मेरे पास और ज़्यादा स्पेस हो गया टू कीप माई ज्वेलरी, जितना स्पेस होते जाएगा उतना ज्वेलरी आते जाएगा, सो आई एम हैप्पी दैट माई बिजनेस इज ग्रोइंग, ऑल थैंक्स एंड सपोर्ट टू यू गाइज।
तो अभी का तो अपडेट ये है, तो मैं कैमरा अभी बंद कर रही हूँ क्योंकि ये अभी मैं शूट करके नहीं दिखाऊंगी कि आपको मैं क्या किस में क्या रख रही हूँ। बट मेरे पास एक घंटा है, तो एक घंटे में जितना मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट ये इतना एरिया तो कर देती हूँ। भले इसको बाद में आराम से कर लूँगी क्योंकि अभी ऑलरेडी कितना 2:30 हो गया, तो 3:30 तक मैक्स टू मैक्स 3:30 तक मैं खींच सकती हूँ। एक घंटे में जितना होता है उतना कवर कर लूँगी। सानू अपना सोने से पहले सब सेटिंग कर रही है, सब चीज़ प्रॉपर जगह पे है या नहीं है, उसके बाद फिर स्लीप। एंड टुडे वी चेंज द बेडशीट ऑल्सो। आज हम लोग ने फर्स्ट टाइम हम लोग के बेडरूम में ऐसा पिंक कलर का बेडशीट डाला है जो न्यूली लिया था सुशांत की शादी के लिए, तो आज फाइनली वी चेंज इट। और मेरा स्टोर रूम का बहुत सारा काम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 80% काम खत्म हो गया। थोड़ा सा सिर्फ बाकी का जो हाँ किड्स रूम, स्टोर रूम, ज्वेलरी रूम, अभी 3-in-1 हो गया, वो रूम पूरा यूटिलाइज हो गया पूरा। तो 80% काम हो गया और 20% बाकी है, थोड़ा सा साफ सफाई, देन आई एम सॉर्टेड। सो एनी वेज आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। इफ येस तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। एंड और भी एक दो चीज़ दिखाना रह गया तो वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखा दूँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। और सानू का एक दांत गिर गया फाइनली, दिखा ये देख, यहाँ का सानू का ये तो गैप हो गया है, ऐसा लग रहा है कि दांत गिरा लेकिन दांत नहीं गिरा है। देखो, बाय बाय, टाटा, सी यू, वाह, गुड नाइट।